हर साल इसी तरीके से अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं और कुछ बिना टिकट किसी तरह अपने घर पहुंचने की जरूरत में लगे रहते हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 9 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। दीपावली छठ पर गोरखपुर जा रहे थे यात्री। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। रविवार सुबह प्लेटफॉर्म पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ इतनी उमड़ी कि पुलिस उन्हें काबू नहीं कर पाई। भगदड़ की घटना में तकरीबन 10 यात्री घायल हुए हैं, जबकि 2 यात्रियों की स्थिति गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी यात्री ट्रेन बांदा गोरखपुर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई, भीड़ में भगदड़ मच गई। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस का मामला, टर्मिनस पर सुबह 6 बजे भगदड़, ट्रेन पर चढ़ने की होड़ में हादसा। ट्रेन नंबर 22921 पर चढ़ना था, बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस में चढ़ना था। 10 यात्री घायल हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अफरा तफरी हुई। घायल आभा अस्पताल में भर्ती कराए गए। मौके पर पुलिस प्रशासन की तैनाती, साथ ही डॉक्टर्स की तैनाती। इस हादसे के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी लगातार डबल इंजन की सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, उसमें लोगों के घायल होने पर केंद्र सरकार और रेल मंत्री पर तीखा हमला बोला है। सबसे ज्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है, बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब नितिन गडकरी हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया, आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? वही कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुने। अभी खबर आई थी कि एक नेता को सरेआम गोली मार दी गई। आज खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन पर हमारे 9 लोग जख्मी हो गए, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई। शोर मचाते हैं कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा। महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवेज पे? कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे? मैं महाराष्ट्र सरकार के नाकामी की बहुत निंदा करता हूँ। दीपावली की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में काफी भीड़ हो जाती है। बड़ी संख्या में मुंबई में रहने वाले यूपी बिहार के लोग दीपावली और छठ मनाने के लिए ट्रेन के जरिए रवाना होते हैं। बावजूद इसके रेलवे और पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर नहीं आया और भीड़ पर काबू पाने में रेलवे पुलिस एक बार फिर नाकाम साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।